दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य कौन सा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा, वो है बिहार। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य कैसे बना? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, बिहार राज्य की आबादी लगभग 14 करोड़ है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला यह राज्य बिहार इतना पीछे कैसे चला गया? तो इसका पहला वजह है शिक्षा व्यवस्था का ठीक न होना। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी बिहार में ना तो एक IIT कॉलेज और ना ही मेडिकल कॉलेज ढंग का मिलेगा आपको। यही नहीं दोस्तों, अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो बिहार में 10वीं या 12वीं करने के लिए स्कूल की काफ़ी कमियां दिखाई पड़ती है। और जो स्कूल बिहार में 10वीं या 12वीं की डिग्रियां दिलाता है, उसका अच्छे से वर्क न करना। बिहार में विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो बिहार में कुल 31 यूनिवर्सिटी हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में 10 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो सिर्फ कागजी तौर पर मौजूद हैं, यानी उनका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, अगला कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो लगभग सभी जगहों पर है, परंतु बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप बिहार के न्यूज़पेपरों पर नज़र डालें तो आपको आए दिन हर रोज़ एक ऐसा भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर मिल ही जाएगी, जिसमें सरकारी शिक्षक से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों के नाम शामिल होते हैं। तीसरा कारण है गरीबी। बिहार में गरीबी बहुत हद तक है। बिहार में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन मजदूरी करके जीने पर विवश हैं। बिहार में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 54,383 रुपये है। दोस्तों, आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि 54,383 रुपये सालाना में खाना पीना, कपड़ा, रहना, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर का खर्च करना कितनी चुनौतीपूर्ण होता होगा। ये तो सिर्फ कुछ संपन्न लोगों की बात है। बिहार में आपको ऐसे खबरें भी देखने को मिल जाती हैं कि भूख के कारण कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें चौथे कारण की, तो वो है बेरोजगारी। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर कम पैसे में ही काम करने पर विवश हैं। इसका प्रमुख कारण है बिहार में कंपनियों का ना होना। दोस्तों, अगर ठीक से रिसर्च किया जाए तो मुझे लगता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम या ना के बराबर बिहार में कंपनियाँ हैं। बिहार में कंपनियों के न होने के कारण एक बड़ी आबादी को बिहार से बाहर जाकर काम करना पड़ता, जिसके कारण उन्हें ना तो सम्मान मिल पाता है और ना ही उन्हें उचित पैसा मिलता है। दोस्तों, अगर अगली रीजन की बात करें तो वो है पलायन। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हुआ, पर वे पलायन कर गए। बिहार में दोस्तों ना तो उन्हें उचित सम्मान मिल पाता है और ना ही सरकार से सपोर्ट। बिहार में बिजनेसमैन से टैक्स तो वसूल लिया जाता है, पर उन्हें सरकार से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वे उन्हें नहीं मिल पाता है। ये एक बड़ी वजह है कि बिहार से बिजनेसमैन पलायन और बिहार में कंपनियों के न आने का कारण है। दोस्तों, ये तो रही बिहार के गरीबी के कुछ कारण। अब बात करते हैं इसे बदला कैसे जा सकता है। इसका पहला पॉइंट बनता है जातिवाद पर वोट ना करना। दोस्तों, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारणों में से एक शामिल है जातिवाद। बिहार में आज भी लोग पुराने समय के सोच रखकर जातिवाद पर वोट करते हैं, भले उन्हें पर्सनली कोई फायदा हो या ना हो। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है बिहार में कंपनियों को लाना। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बिहार में सिर्फ ना के बराबर कंपनियां हैं, बिहार सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिहार में कंपनियों को कैसे लाया जाए। दोस्तों, हमारा आखिरी पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना व भ्रष्टाचार को रोकना। बिहार सरकार को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए, ताकि बिहार के वैसे बच्चे जो बहुत कुछ कर तो सकते हैं पर वे दूसरे शहर में जाकर पढ़ने में असमर्थ हैं, उन्हें भी कुछ करने का मौका मिले व बिहार का नाम फिर से रोशन हो सके। इसके साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार रोकने में सरकार की मदद करे। इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।